सो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में आपके अपने एजुकेशन चैनल SA एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में मैं पिछले ही चैप्टर को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पिछले चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था 5.2 एक्सरसाइज में। तो आज के इस वीडियो में 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ द AP इज AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो क्वेश्चन में जो सीरीज दी हुई है ना एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द AP 3, 8 ठीक है 3, 8 उसके बाद क्या है 13, 18 डॉट 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 इज 78। तो ये बताना है कि जो सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है इस सीरीज की कौन सी टर्म जो है वो होगी 78 है ना, ये हमको बताना है। तो चलिए ये इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए इस वाली जो सीरीज है इस सीरीज में यदि हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो ए है ना, तो ए कितना हो जाएगा 3, ए हो गया 3। और फिर ये डी, तो डी मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 - A1 तो ये कितना हो जाएगा डी 8 में से 3 माइनस होगा है ना, तो 8 में से 3 माइनस होगा तो डी कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, डी कितना आ गया 5 आ गया ठीक है। उसके बाद अगला, फिर उसके बाद आपको क्या है यहाँ पर एन आपको बताना है कितना है, एन आपको फाइंड करना है ना, ये हमको नहीं पता है। उसके बाद ए एन, तो ए एन कितना है 78। अब इसमें जो भी फॉर्मूला यूज होगा है ना, तो वो फॉर्मूला क्या है nth टर्म ऑफ एन AP है ना, nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट से बाहर d ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको वो स्टेप भी लिखना है जो स्टेप हमको एग्जाम में लिखनी पड़ती है। तो स्टेप क्या है, तो वो स्टेप है बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो वैल्यूज जो ऊपर दी है वही वैल्यू हमको पुट करनी है ना, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज में यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं। तो वैल्यू क्या है, तो ए एन तो हमको चाहिए, ए एन हमारे पास है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 78। और हमारे पास क्या है यहाँ पर ए, तो ए क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता हमें, एन हमें नहीं पता। और डी कितना है यहाँ पे, डी है हम डी है हमारा 5 ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद वाली स्टेप में क्या होगा है ना, वो चीज ध्यान से देखना कि इसके बाद वाली स्टेप में क्या होने वाला है। तो इसके बाद वाली स्टेप में आपको ये करना है कि ये जो 3 है इस तरफ आ जाएगा है ना, 3 इस तरफ आएगा तो इस 3 को इस तरफ आने के बाद क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा। और ये जो 5 है ये आ जाएगा नीचे है ना, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पर कायम है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर कायम आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा है ना, तो 5 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर क्या है n माइनस 1 ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 78 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा, 78 में से 3 माइनस किया तो 75 बचा, तो 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1 ठीक है, इसको अपन काट सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा 15 ठीक है। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 मतलब कि n की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई ठीक है। तो ये क्या है इसका आंसर है, क्वेश्चन काफी सिंपल है ना, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को जो है ये निकालना है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं है ना, फिंगर के थ्रू आप उसको वीडियो को जूम कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए ये इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं है ना। एक मिनट है ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम मार्कर में इंक डाल देते हैं उसके बाद करेंगे। देखिए मैं आपके सामने इंक डालता हूँ मार्कर में।
तो ये अच्छा लगेगा। ये मार्कर में इंक डाल रहे हैं, ठीक है। अब बस ये आपका अगला क्वेश्चन तैयार है ना होने के लिए। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सीरीज दी है फिफ्थ के पहला, तो क्वेश्चन क्या दिया है, 7, 13, 19 7, 13, 19 ठीक है। इस तरह से सीरीज दी हुई है 7, 13, 19 ठीक है। ये सीरीज दी हुई है और यहाँ पर जो है इसके आगे डॉट डॉट करके 205 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ए की जो वैल्यू है वो है 7, डी की वैल्यू है 13 में से 7 माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना। डी की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। यहाँ हम देख ही रहे हैं, है ना। मैं भी और थोड़ी बड़ी राइटिंग लिख दूंगा। फिर यहाँ पर ए एन कितना है, ये है 205, ठीक है। ए एन जो है 205, एंड फाइंड करना है, एंड एवेल्युएट करना है, सेम प्रोसेस वी कैन यूज अगेन बाय फॉर्मूला। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वॉट इज ए एन, तो ए एन यहां पर हमको दिया है 205, है ना। ए एन कितना दिया है, 205 दिया है। तो 205 इक्वल टू ए, ए मीन 7 प्लस एन माइनस वन 13, एन माइनस वन सॉरी, डी कितना है, डी है 6, ये ऊपर लिखा है ना, डी कितना है 6 है। नाउ वापस वही प्रोसेस, 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का 7 6 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन। तो 205 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 198 अपॉन 6 इक्वल टू 198 अपॉन 6 इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 18 18, तो फिर से 6 3 18 एन इक्वल टू 33 प्लस 1, 1 इस तरफ शिफ्ट होगा तो 33 में 1 प्लस हो जाएगा तो 34 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, 18, 15 and half, फर्स्ट 18, सेकेंड 15 and half, देन 13 अप टू -47, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये दिया हुआ है, इसमें डी कितना आएगा, तो डी कितना आएगा बताइए, आई थिंक 2 and half, क्योंकि 18 है यहाँ, 15 and half है, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 और उसमें हाफ और जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, है ना। तो फिर डी कितना आ जाएगा, 2 raised to 1/2, तो ये डी हो गया। फिर ए एन इक्वल टू -47, ए इक्वल टू 18
और n हमको क्या करना है, एवेल्युएट करना है। इस वाले को थोड़ा सा लॉन्ग कर दे, शॉर्ट शॉर्ट में कर देते an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, an माइनस 47 इक्वल टू 18 प्लस n माइनस वन 5/2। इस 18 को आप इधर ले जाइए, माइनस 47 माइनस 18 अपॉन 5/2 इक्वल टू एन माइनस वन, कितना हो गया 65 माइनस का अपॉन 2 अपॉन 5, ये 2 ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर एन माइनस वन, इसको काटेंगे तो 13 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 26। n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 27। तो गाइस उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आगे के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा और जो भी इस वीडियो में डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।